हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी पाठशाला। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है साइट्रोफिलस ओराइजे। साइट्रोफिलस ओराइजे, अगर आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे इसके नाम में ही, तो यहाँ पे ओराइजे जो लिखा है, आपको पता है कि ये साइंटिफिक नेम है एक तरह से। अगर हम देखें थोड़ा, राइस ओराइजे जो है वो राइस से लिया गया है। तो जो ये बीटल है या जो ये बीबल है या इंसेक्ट है, या जब ये पेस्ट जो है ये क्या करता है, मोस्टली राइस को ही डैमेज करता है। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये मिलता कहाँ है। तो राइस वीवल हैज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मोस्टली आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन ऑफ राइस वीट बाजरा। ये क्या है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मतलब यहाँ पे ये पेस्ट क्या है, एक बहुत ही कॉमनली जितने भी हम स्टोर करके रखते हैं हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, उसमें जो मोस्टली देखने को मिलता है वो आपका साइट्रोफिलस ओराइजे ही मिलता है। अब यहाँ पे स्टोर्ड ग्रेन्स में एग्जांपल अगर हम दें, राइस वीट और बाजरा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, अब लाइफ साइकिल में अभी फोर स्टेजेस हैं। फर्स्ट है एग ऑन ग्रेन। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फीमेल ले 400 एग्स इन ग्रेन। अब ग्रेन में जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहाँ पे फीमेल क्या कर रही है, 400 एग ले कर रही है। अब एग टू लार्वा कन्वर्जन के लिए 6 to 7 days रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद अब लार्वा जो है, लार्वा क्या करता है, लार्वा अगर उसको ग्रोथ करनी है या उसको अपनी डेवलपमेंट करनी है, वो क्या करता है, बोर द ग्रेन एंड फीड ऑन इट। वो जो ग्रेन्स हैं उनको बोर करता है, मतलब उनमें छेद करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देगा, वो उनको काट काट के उनको खाना शुरू कर देगा। और इससे क्या होगा, इसके डेवलपमेंट है। लार्वा देन कन्वर्ट टू प्यूपा। लार्वा कन्वर्ट होगा प्यूपा में। प्यूपा क्या है, डार्क ब्राउन कलर। प्यूपा है डार्क ब्राउन इन कलर। अब प्यूपा टू एडल्ट कन्वर्जन के लिए चाहिए, तो आफ्टर 6 days टर्न इंटू अडल्ट। प्यूपा कन्वर्ट इन अडल्ट आफ्टर 6 days। अब एडल्ट के अगर हम मोर्फोलॉजी की बात करते हैं तो वो है स्मॉल रेडिश ब्राउन बीटल। ये स्मॉल रेडिश ब्राउन बीटल है, 3 mm लेंथ होगी इसकी, और इसका जो लाइफ स्पेन होगा वो होगा 4 to 5 months। लाइफ स्पेन यहाँ पे होगा 4 to 5 months। तो जो इसका लाइफ साइकिल है वो 4 stages में है, एग ऑन ग्रेन, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे डैमेज। अब ग्रोथ हो गई है सब, और इसके बाद देखते हैं कि ये बीटल डैमेज क्या करते हैं। सीरियस पेस्ट ऑफ राइस, ये सीरियस पेस्ट मतलब मोस्टली जिसको ये डैमेज करता है वो है राइस, मेज, बार्ले, जवार इन ह्यूमिड कंडीशन, पर्टिकुलरली रेनी सीजन। मोस्टली ये कब मिलता है, रेनी सीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, और इस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है राइस, मेज, बार्ले, जवार। द लार्वल स्टेज इज मोर डिस्ट्रक्टिव, बट अडल्ट एंड लार्वा बोथ डिस्ट्रॉय द ग्रेन। अब जो यहाँ पे स्टेजेस हैं उसमें जो लार्वल स्टेज है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान जो स्टेज करती है वो है लार्वल स्टेज। इसका रीज़न क्या है कि ये फीड कर रही है ग्रेन्स पे, और फीड भी कैसे कर रही है, ये उसमें बोर फॉर्मेशन या बोर करके उसको काट काट के सीड्स में, जब ये वहाँ पे अपने न्यूट्रिशन लेगा या अपना फूड लेगा तो ये उसको डैमेज कर देगा। इसलिए जो सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो स्टेज है वो है हमारे लार्वल स्टेज। लेकिन अगर हम देखें तो जो एडल्ट एंड लार्वा बोथ डिस्ट्रॉय द ग्रेन, जो ग्रेन डैमेज कर रहा है वो दोनों स्टेजेस कर रहे हैं, एडल्ट भी कर रही है और लार्वा भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल। कंट्रोल के लिए द ग्रेन शुड बी ड्राई एंड पेस्ट फ्री फॉर स्टोरेज। अगर हम ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं तो वो एक क्या ड्राई कंडीशन में होना चाहिए और पेस्ट फ्री होना चाहिए, मतलब जहाँ पे हम उन्हें रख रहे हैं वो भी एरिया हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, और हमारा कंटेनर भी क्लीन होना चाहिए। ग्रेन स्टोर एंड क्लीन, इंसेक्ट प्रूफ एंड ड्राई गोडाउन। अब अगर हम कोई लार्ज अमाउंट में हमारे पास ग्रेन से हमें स्टोर करने हैं तो हमें उनको कहाँ रखना है, इंसेक्ट प्रूफ एरिया हो, या फिर मतलब इंसेक्ट प्रूफ हो और दूसरा ड्राई हो, गोडाउन से, जो गोडाउन में जो प्रोडक्ट जो स्टोर किए जाते हैं या जो ग्रेन रॉ मटेरियल जो स्टोर किया जाता है वो सब क्लीन होने चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, गोडाउन में भी स्टरलाइज बाय बर्निंग कोक। हम गोडाउन को स्टरलाइज कर सकते हैं कैसे, बर्निंग कोक की हेल्प से, या फिर हम वहाँ पे स्प्रे कर दें 2.5% मिथोक्सी क्लोराइड। मिथोक्सी क्लोराइड का अगर हम वहाँ स्प्रे करते हैं तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।